जाती है क्रोमोसोम में। जैसे एक मैं आप लोग को चित्र बता रहा हूं, जैसे कि मान लो कहना चाहिए ये कोशिका है। क्या है ये? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होती है? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अंदर में क्या होती है? गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र में क्या होती है? डीएनए। और डीएनए के अंदर के एक भाग को क्या बोलते हैं? जीन। तो ये हो गए आप लोगों का सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया डीएनए, और ये हो गया उसका एक भाग को बोल सकते हैं जीन। क्लियर? तो कहना चाहिए डीएनए जीन क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन डीएनए जीन किस में पाई जाती है? क्रोमोसोम में पाई जाती है। तो क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनुवांशिकी का वाहक। अनुवांशिकी का वाहक। वाहक मतलब क्या होता है? उसको वहन करके ले जाने वाला, उसको वहन करके ले जाने वाला। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मलेरिया। क्या बोलते हैं हम लोग? मलेरिया। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। लेकिन मलेरिया को कौन फैलाता है? मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज नामक मच्छर। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज। और होता किससे है? प्लाज्मोडियम से। क्लियर? तो उसी प्रकार से अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या जीन तो है, लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किनकी सहायता से जाती है? क्रोमोसोम की सहायता से, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर में ये सब पाई जाती है डीएनए और जीन। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किनकी सहायता से जाएगा? क्रोमोसोम की सहायता से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अभी ये अध्ययन करेंगे अनुवांशिकी का गुणसूत्री आधार। ठीक है, तो पहले मेंडल के बारे में बताता हूं। मेंडल ने क्या कहा था? हमारे शरीर में क्या पाई जाती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है? मेंडल ने कहना कि बार बार एक शब्द का उपयोग किया था, कारक। क्या शब्द का उपयोग किया था? कारक मतलब फैक्टर। संभवतः उसको पहले उन्होंने एलिमेंट से कहा था, लेकिन एलिमेंट से शब्द बाद में किसने बदल गया? फैक्टर मतलब कारक। ये उस समय की बात है जब मेंडल कहना थी 1860-1865 की समय की बात है। तो उन्होंने कहना चाहिए ये तो अनुभव किया था कि हमारे शरीर में भी कहना चाहिए कुछ न कुछ पदार्थ तो होते हैं जिनकी सहायता से अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। लेकिन उस समय कहना चाहिए कुछ खोज नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया था? फैक्टर मतलब कारक। ठीक है, वो फैक्टर और कारक तो बताते जरूर थे, लेकिन उसको यह पता नहीं था मेंडल को कि वास्तव में फैक्टर है क्या चीज, कारक है क्या चीज, ये वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो कहना चाहिए इसमें मेंडल की कमी नहीं है या मेंडल की कमजोरी नहीं है, ये उस समय की बात है जब कुछ भी पदार्थों का खोज नहीं हुआ था। जब उसके बाद कहना चाहिए 1900 के आसपास आती है, 1900 के आसपास आती है, बहुत सारे कहना चाहिए आर्गनों का खोज होता है। मेंडल के समय में ये गुणसूत्र क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन क्या है, मियोसिस डिवीजन क्या है, ये सब कुछ पता नहीं था, जिसके कारण मेंडल कहना चाहिए इसको विस्तार से नहीं बता पाए। लेकिन जब 1865 के बाद 1870 फिर आगे चलकर जब 1900 सन आती है, ठीक है, तो 1900 के आसपास कहना चाहिए एक से बढ़कर एक कहने चाहिए बायोलॉजिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, और हमारे शरीर के अधिकांश आर्गनों को क्या करते हैं? खोज करते हैं। तो खोज करने के बाद ही कहना चाहिए ये सब ये बताया गया कि अनुवांशिकी का आधार क्या है? गुणसूत्र है, कि गुणसूत्र में क्या पाई जाती है? डीएनए और जीन पाई जाती है। क्लियर? तो दो चार बता रहा हूं मैं किसने किसका खोज किया है। ठीक है, ये कई बार कहना चाहिए आपका नीट में आता है, कुछ साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूं मैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या खोज किया था, तो आप लोग उसको याद रख लेंगे। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि गुणसूत्र का खोज किसने किया, गुणसूत्र का खोज किसने किया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम समझते हैं ना,
हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46, 23 जोड़ी। तो इसका खोज वास्तव में किसने किया है? आपके कहने चाहिए पुस्तक में स्ट्रॉस बर्गर को दिया गया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों में दिया रहता है गुण सूत्र का खोज किसने किया है? हॉफ मिस्टर नामक साइंटिस्ट ने किया है। और बाद में 1888 में वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने गुण सूत्र नाम दिया, मतलब खोज कोई दूसरा किया है और गुण सूत्र क्रोमोसोम नाम कोई दूसरा दिया है। तो कई बार से इसको पूछा जाता है क्रोमोसोम गुण सूत्र नाम किसने दिया था, तो वाल्डेयर। कई बार तो खोज करता वैज्ञानिक का नाम भी इसी का रहता है, वाल्डेयर का। लेकिन जानेंगे सबसे पहले इसको देखा था या खोज किया था हॉफ मिस्टर ने, और बाद में कहना चाहिए 1888 में कहना चाहिए वाल्डेयर ने गुण सूत्र नाम दिया था। क्लियर। इसी प्रकार से कहना चाहिए स्ट्रॉस बर्गर, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक है बायोलॉजी का, इन्होंने ये बताया था कि केंद्रक का निर्माण पूर्व केंद्रक से ही होता है। स्ट्रॉस बर्गर ने यह बताया केंद्रक का निर्माण पूर्व केंद्रक से ही होता है। फिर बाद में कहना चाहिए वान बेंडेन नामक साइंटिस्ट है, वान बेंडेन नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने यह बताया कि जीव में गुण सूत्र की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में गुण सूत्र की संख्या क्या होती है? निश्चित। मतलब हमारे शरीर में 46, मतलब 46, 46 से कम या ज्यादा हुआ तो हमको क्या हो जाएगा? सिंड्रोम, मतलब व्याधि, मतलब एक बड़ी रोग हो जाएगा जो लाइलाज रोग है, ठीक है। आप चाहे डॉग देखे, चाहे एलिफेंट देखे, चाहे आम देखे, चाहे नीम देखे, प्रकृति में जितने भी जीव है, चाहे प्लांट चाहे एनिमल, प्रत्येक के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। कम ज्यादा होगा तो उसमें सिंड्रोम हो जाएगा, रोग हो जाएगा। क्लियर। बाद में कहना चाहिए बावेरी नामक साइंटिस्ट है, बावेरी नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि अनुवांशिक गुणों का प्रवाह, अनुवांशिक गुणों का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी न्यूक्लियस की सहायता से होती है। बावेरी नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि अनुवांशिक गुणों का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी किनकी सहायता से होती है? न्यूक्लियस की सहायता से। किनकी सहायता से होती है? न्यूक्लियस की सहायता से। आगे चलकर कहना चाहिए वाल्टर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट है, वाल्टर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट माइटोसिस को बताया। आगे चलकर विनी वार्टर नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने मियोसिस को बताया, अर्धसूत्री विभाजन को, ठीक है। उसके बाद गुण सूत्र का खोज, उसके बाद 1909 में कहना चाहिए जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने जीन का खोज किया। जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में जीन का खोज किया। 1953 में वाटसन एवं पीक नामक साइंटिस्ट ने डीएनए का मॉडल बताया, डीएनए का मॉडल बताया। तो ये सब कहना चाहिए, ये सब का उस समय खोज नहीं हुआ था, तो मेंडल कहना चाहिए केवल फैक्टर बताए थे, और फैक्टर है क्या चीज, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब नहीं बता पाए थे। क्लियर। तो कहना चाहिए जो भी स्टूडेंट नीट का तैयारी करना चाहते हैं, वो इन सबको उनको अध्ययन करना पड़ेगा कि स्ट्रॉस बर्गर ने ये बताया, वान बेंडेन ने इसका खोज किया, तो बावेरी ने ये कहा, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस का खोज किया, विनी वाल्टर ने म्योसिस का खोज किया, तो जोहानसन ने जीन का खोज किया, तो वाल्डेयर ने गुण सूत्र नाम दिया। ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद कहना चाहिए इन सब का खोज होने के बाद ये बताया गया कि अनुवांशिकी का आधार क्या है? गुण सूत्र है, ठीक है। जीन और डीएनए अनुवांशिक पदार्थ तो है, लेकिन ये किनकी सहायता से जाते हैं? गुण सूत्र की सहायता से जाते हैं। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब अनुवांशिकी का क्रोमोसोमल सिद्धांत, अनुवांशिकी का क्रोमोसोमल सिद्धांत, मतलब अनुवांशिकी का क्या सिद्धांत है? गुण सूत्री सिद्धांत, अनुवांशिकी का गुण सूत्री सिद्धांत, ठीक है। तो अनुवांशिकी का गुण सूत्री सिद्धांत का मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ को याद रख लेंगे। अनुवांशिकी का गुण सूत्री सिद्धांत का मेन अर्थ यह है कि गुण सूत्र क्या है? अनुवांशिक गुणों का वाहक है। गुण सूत्र क्या है? अनुवांशिक गुणों का वाहक है, मतलब डीएनए जीन गुण सूत्र में पाए जाते हैं, डीएनए जीन
गुण सूत्र में पाए जाते हैं और ये गुण सूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तो अपने साथ जीन को भी ले जाते हैं। जैसे उदाहरण बताता हूँ, जैसे अपना स्वयं का, मेरे शरीर में कहना चाहिए 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम कहाँ से आया है? पिताजी से मिला है स्पर्मा की सहायता से। 23 क्रोमोसोम कहाँ से मिला है? माताजी से मिला है, ठीक है। 23 क्रोमोसोम तो इधर से 23, इधर से 23, तो दोनों मिलकर मेरे शरीर में कितना हो गया? 46। तो मेरे शरीर का आधा गुण किससे मिला है? पिताजी से। और आधे गुण कहाँ से? माताजी से। तो मेरे शरीर में कहना चाहिए दोनों का गुण है, लेकिन मेंडल के नियम अनुसार जो पिता का गुण होता है माँ के गुण को क्या कर देता है? दबा देता है, लेकिन उसका कुछ न कुछ क्या होता है? करेक्टर होता है, क्लियर। तो गुण सूत्र तो मेरे शरीर में आया, तो गुण सूत्र में क्या है? डीएनए है, उसमें क्या है? जीन है। तो गुण सूत्र के शरीर में, मेरे शरीर में क्या आ गया? जीन भी आया। एक व्यक्ति में जीन की संख्या कितनी होती है? 40,000। तो मेरे शरीर में 20,000 पिताजी से जीन और 20,000 माँ से जीन, क्लियर। तो गुण सूत्र जब आया तो अपने साथ में किसको लेकर आया है? यो जीन को लेकर आया है, ठीक है। तो उसी जीन के कारण कहना चाहिए मेरे शरीर में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये कहना चाहिए अनुवांशिकी का गुणसूत्री थ्योरी, इसको याद कर लेंगे। इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? 1902 में सटन एवं बावेरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। 1902 में सटन और बावेरी नामक साइंटिस्ट ने एक साथ नहीं दिया था, याद रखेंगे, स्वतंत्र रूप से दिए थे दोनों, मतलब अलग अलग दिए थे, क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए तीन वैज्ञानिक और आए। तीन वैज्ञानिक के नाम है मॉर्गन, स्टर्टवान और ब्रिजेज। मॉर्गन, स्टर्टवान और ब्रिजेज, ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर संयुक्त रूप से इस सिद्धांत को दिए। सबसे पहले सटन और बावेरी ने दिया था स्वतंत्र रूप से, उसके बाद मॉर्गन और स्टर्टवान और ब्रिजेज, इन्होंने तीनों मिलकर संयुक्त रूप से इस सिद्धांत को दिया था, और उस सिद्धांत को कहा जाता है अनुवांशिकी का गुणसूत्री सिद्धांत। इस पुस्तक में कहना चाहिए, बारहवीं के पुस्तक में आपको लगभग 10-12 पॉइंट में इसका वर्णन बताया गया है। ये वर्णन आपसे आसानी से याद नहीं होगा, ये वर्णन को आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। तो रटेंगे तो क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। तो मैं एक कहना चाहिए आप लोगों को, मैं इससे पहले मानव जनन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके आधार पर मैं केवल एक लाइन में बता रहा हूँ, और आपका उसमें जो 10-13 पॉइंट में लिखा है वो केवल एक लाइन में याद हो जाएगा। देखते हैं गुण सूत्र की सहायता से अनुवांशिकी गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है, दोनों के बीच क्रॉस। मेल में इसको P1 मान सकते हैं, और उसके बाद इसमें क्या बनेंगे? गेमेट। मेल में जो गेमेट बनती है उसको हम लोग मेल गेमेट कहेंगे या स्पर्म कहेंगे। फीमेल में जो गेमेट बनती है उसको फीमेल गेमेट कहेंगे या फिर ओवम कहेंगे, क्लियर। अब ये कहना चाहिए, ये एक स्पर्म का कहना चाहिए एक चित्र है। अब ये कहना चाहिए ओहम का क्या है? एक चित्र है, क्लियर। तो ये स्पर्म का नामांकित चित्र है। तो यहाँ पर पाई जाती है केंद्रक, और ये भी क्या है? केंद्रक, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियस। और अभी आप लोग को जस्ट पहले बताया था न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाई जाती है? इस प्रकार से गुण सूत्र। क्या पाई जाती है? गुण सूत्र। इसमें भी पाई जाती है गुण सूत्र, क्रोमोसोम। और कहना चाहिए क्रोमोसोम के अंदर में क्या पाई जाती है? डीएनए या फिर जीन। तो इसमें भी क्या पाई जाती है? डीएनए या जीन, ठीक है। और डीएनए जीन क्या है तो हम लोग समझ गए हैं, क्लियर। अब कहना चाहिए जो स्पर्म है और ये ओहम है, दोनों आपस में कहना चाहिए फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में
एक दूसरे से सम्मिलित हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं, जिसको कहना चाहिए हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो दोनों आपस में मिलने के बाद ये क्या बना लेते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं। इसमें इस पर हमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, 23। ओहम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, 23। जब ये हैप्लॉयड सेल्स है, हैप्लॉयड सेल्स उसको बोलते हैं जब उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, तो इसमें 23 और इसमें 23, तो दोनों गैमेट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। जब दोनों आपस में मिलती तब क्या हो जाती है, डिप्लॉयड, दो अगुणित मिलकर द्विगुणित, मतलब एक और एक मिलकर दो, तो हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलकर डिप्लॉयड, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड सेल्स। मतलब ये जाइगोट है ये, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46, ठीक है। और ये जो डिप्लॉयड, ये कहना चाहिए जो डिप्लॉयड जाइगोट है, ये कहना चाहिए माँ के शरीर में, यहाँ पर कहना चाहिए 9 माह तक रहती है, और यहाँ पर कहना चाहिए विभिन्न क्रिया होती है, जैसे क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, गेस्टूला से 3 लेयर का निर्माण, और उसके बाद इम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण, और आगे चलकर चाइल्ड का निर्माण। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, माता पिता के लक्षण चाइल्ड में आएगा कि नहीं आएगा, ऑटोमेटिक से आएगा। तो कैसे आएगा, एकदम से क्लियर है। अब हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, अनुवांशिक गुणों का वाहक, अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो देखिए क्या है, केंद्रक, ये स्पर्म और ओवम, उसमें अंदर में क्या है, केंद्रक, ये भी क्या है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर में क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए और जीन, ये भी न्यूक्लियस, ये भी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर में क्या है, डीएनए और जीन। अब ये कहना कि माँ के शरीर से आया केंद्रक और ये पिता के शरीर से आया केंद्रक, और दोनों के केंद्रक में ये पदार्थ है, ठीक है। अब ये कहना चाहिए जाइगोट है, ये जाइगोट आगे चलकर चाइल्ड बनाएगा, तो इस चाइल्ड में कहना चाहिए माता पिता के लक्षण आएंगे कि नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक से आएंगे, दूसरा लक्षण कहीं से आएगा ही नहीं, क्लियर। तो ये कहना चाहिए क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब अनुवांशिकी का गुणसूत्री सिद्धांत लगभग क्या है, 100% सही है, ठीक है। मतलब हमारे शरीर में जो लक्षण है वो माता पिता से ही मिला है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कोई चाइल्ड है वो अपने माता के समान भी नहीं होता है, ना माँ के समान भी नहीं होता है, ठीक है, वो दोनों के समान नहीं होता है, ना दोनों के लक्षण भी उसमें दिखाई नहीं देते, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण यह होता है कि मेंडल ने यह बताया था, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, ठीक है। प्रभावी को हम लोग क्या बताए थे, मेंडल के अनुसार बड़ा टी, और अप्रभावी को क्या बताए थे, छोटा टी, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में कहना चाहिए इधर से बड़ा टी और इधर से छोटा टी, ये क्या था, लंबी, ये क्या थे, बौने, इसको टाल कहेंगे और इसको द्वारपर, तो क्या मिलेंगे हमको, हाइब्रिड लंबे, ये गुण इसको गुण को क्या कर दिया, दबा दिया, लेकिन इसकी गुण पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, वो दिखाई देती है। तो कई बार कहना चाहिए यदि कोई चाइल्ड माता पिता के समान नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके शरीर में गुण कहाँ से आया है, उनके दादा या फिर दादी से, वो गुण क्या था, छिपा हुआ था। यदि दादा दादी का भी लक्षण नहीं आए तो हो सकता है पर दादा पर दादी के लक्षण है, क्लियर। मतलब पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है माँ का गुण, वो केवल क्या रहती है, दबी हुई पाई जाती है। ये हो गया आप लोगों का अनुवांशिकी का गुणसूत्री सिद्धांत, और ये हो गया आप लोगों का अनुवांशिकी का गुणसूत्री आधार, ये आधार है और ये थ्योरी है, क्लियर। आगे अध्ययन करेंगे पैरालिलिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन, मतलब क्रोमोसोम और जीन में समानांतरता, पैरालिलिज्म समानांतरता, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है समानता, पैरालिलिज्म समानांतरता, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समानता, ठीक है। इसको मैं बहुत शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सटन और बावेरी, अभी जस्ट अभी आप लोग को बताया था, सटन एवं बावेरी इन्होंने ये बताया था गुण सूत्र क्या है,
अनुवांशिक गुणों के वाहक। जस्ट अभी आप लोग को बताया मैं क्रोमोसोमल थ्योरी बताया हूँ ना, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, सटन और बावेरी ने 1902 में, अलग अलग। उसके बाद तीन साइंटिस्ट आते हैं, मॉर्गन, स्टर्टवर्न और ब्रिजेस। इन्होंने तीनों ने कहना थी संयुक्त रूप से गुणसूत्री सिद्धांत दिया था, और कुल मिलाकर इन सब ने मिलकर क्या कहा था, गुणसूत्र क्या होते हैं, अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। क्लियर? तो पैरेललिज्म का अर्थ यह होता है, इन वैज्ञानिकों के अनुसार या मेंडल के नियमानुसार हमारे शरीर में जो लक्षण होते हैं, हमारे शरीर में क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन, हमारे शरीर में लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन गुण सूत्र की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। क्लियर? हमारे शरीर में जो भी लक्षण है वो जीन की सहायता से, या फिर जो जीन होता है गुण सूत्र की सहायता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। क्लियर? तो इसी समय क्रोमोसोम और जीन में क्या पाई जाती है, बहुत अधिक समानता। क्या पाई जाती है, समानता, मतलब दोनों के व्यवहार में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तो इसी को क्या कहा गया है, पैरेललिज्म। मतलब जब जो जीन होता है, जो गुण सूत्र होता है, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसी समय जब गुण सूत्र या जीन जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उस समय गुण सूत्र और जीन में बहुत अधिक क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। उसी को क्या कहा गया है, पैरेललिज्म, समानांतरता। क्लियर? ठीक है जी। अब इसका कुछ प्रमाण बताया गया है पुस्तक में कि वास्तव में हम लोग बोल तो दिए कि दोनों में समानता तो पाई जाती है, तो वहां पर तीन चार पॉइंट में आपके पुस्तक में कहना चाहिए, कुछ प्रमाण दिया गया, एक दो प्रमाण को बताता हूँ। ठीक है, पहला जैसे कि इविडेंस प्रमाण, पहला ये बताया गया है कि क्रोमोसोम और जीन, वैसे जीन किसमें पाई जाती है, क्रोमोसोम में ही पाई जाती है। ये क्रोमोसोम और जीन दोनों ही कहना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में जाते रहते हैं। क्रोमोसोम और जीन दोनों संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं, जैसे 23 क्रोमोसोम आया ना तो उसके साथ में 20,000 जीन लेकर आती है, इधर से जब क्रोमोसोम आया तो अपने साथ में क्या लाते हैं, 20,000 जीन। हमारे शरीर में लगभग 40,000 जीन है और क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46। तो जस्ट अभी आप लोग को बताया था पिता से 23 क्रोमोसोम और माता से 23 क्रोमोसोम, तो इधर से 20,000 जीन और इधर से 20,000, तो दोनों में समानता पाई जाती है तभी तो आती है। दोनों में यदि समानता नहीं पाया जाएगा तो एक साथ वो नहीं आएंगे। ठीक है, इसी को पैरेललिज्म कहा गया है, ये प्रमाण है। दूसरा,